नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी। जी हाँ, ये मैं वीडियो बना रही हूँ उन फेमिनिस्ट के लिए जो अभी अपने बिलों से बाहर आ गई है। वो फेमिनिस्ट जो पहले फैमिली को शांति देने के लिए कह रही थी, दे वर टेलिंग दैट लेट द फैमिली ग्रीव इन पीस, वो फेमिनिस्ट अब अपने बिलों से बाहर आकर सुशांत सिंह राजपूत के फादर और सिस्टर को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रही है क्योंकि मैंने एक फेमिनिस्ट ज्योति यादव का कोई राइटअप देखा, ज्योति यादव प्रिंट से जुड़ी हुई है एंड शी इज अ फेमिनिस्ट जो सोनम कपूर टाइप्स को सपोर्ट करती है। तो ज्योति यादव, ये जो सुशांत के साथ हुआ ना, ये अगर आपके भाई के साथ हुआ होता या आगे जाके अगर आपको कोई पुत्र पैदा हुआ होता उसके साथ उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने किया होता ना, तब आप बैठ के ऐसा राइटअप नहीं लिखती। मगर ज्योति यादव जैसी बहुत सारी और फेमिनिस्ट अब अपने बिलों से बाहर आएंगी बिकॉज बरखा दत्त रानी बाहर आ चुकी है, जिसने ऑब्वियसली सूजन वॉकर का इंटरव्यू शेयर किया जानबूझ के ये बताने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस था, बाइपोलर था, इसलिए उसने अपने खुद की जान ले ली। नाउ सूजन वॉकर के ऊपर तो कार्रवाई होगी बिकॉज स्वामी जी के लॉयर ईश्करण भंडारी ने उसके खिलाफ लीगल डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फिरंग है, भारत में आपके पास परमिशन थी कि नहीं थी फॉर काइंड ऑफ काउंसलिंग सुशांत सिंह राजपूत। वो तो ऑब्वियसली जो लीगल लोग है आपका केस लेने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने अपना मुंह खोला है भारत के अंदर, भारत के मेंटल हेल्थ लॉस को तोड़ने का प्रयास किया है, तो आपको उसकी सजा मिलेगी। भारत के अंदर विदेशी अगर कुछ भी बकबक करके चले जाए ऐसा समय नहीं रहा है, अभी समय बदल गया है, यू हैव टू गो बाय द रूल्स इवन इन इंडिया। तो बरखा दत्त रानी ने जो ड्रामा शुरू किया है, अब उसके समर्थन में कोई ज्योति यादव आई है जो प्रिंट के लिए लिखती है। जी हाँ, वो कह रही है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के फादर और सिस्टर जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत को श्रवण कुमार बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको सुशांत की प्रोग्रेसिव हॉट ग्लैमरस बंगाली गर्लफ्रेंड नहीं पसंद थी और जानबूझ के उसको विश कन्या या एकता कपूर वैम्प का दर्जा दिया जा रहा है। तो मैं कहूंगी कि देखो, एकता कपूर वैम्प तो बी ग्रेड नाम है, रिया चक्रवर्ती it needs to be called a witch because वो witchcraft करती थी। जी हाँ, आप लोगों ने जिस तरह से कंगना को बदनाम किया कि कंगना witchcraft करती थी, आपको obviously अभी witchcraft के ऊपर बात करना चाहिए related to रिया चक्रवर्ती, मगर आप witchcraft के ऊपर बात नहीं कर रहे related to रिया चक्रवर्ती, आप बात कर रहे कि बिचारी रिया को टारगेट किया जा रहा है, बंगाली लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के कहा जा रहा है कि वो जादू टोना करते हैं। तो ज्योति यादव, सुशांत सिंह राजपूत के फादर को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑब्वियसली मुंबई पुलिस के साथ संपर्क किया था फरवरी में, मुंबई पुलिस लेट हिम डाउन, ही डज नॉट ट्रस्ट मुंबई पुलिस एंड एवरी फैमिली नीड्स टाइम, बिकॉज वो कोई बहुत पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स के साथ नहीं बैठे हुए हैं कि सतीश मनशंडे जैसे रिच और एक्सपेंसिव लॉयर को हायर करेंगे अपने बच्चे का केस लड़ने के लिए। उन्होंने 40 दिन के बाद जो कॉन्टैक्ट्स थे उनके थ्रू संपर्क किया, लोगों का प्यार देखा फॉर वॉन्टिंग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और इसलिए उन्होंने केस फाइल किया पटना के अंदर, बिकॉज फादर डिड नॉट ट्रस्ट मुंबई नॉर कुड ही कम टू मुंबई पुलिस नॉर कुड ही कम टू मुंबई। मगर ज्योति यादव अब फैमिली के अगेंस्ट जा रही है। जी हाँ, द फेमिनिस्ट हु वाज स्क्रीमिंग अबाउट गिविंग पीस एंड गिविंग पीस टू द फैमिली एंड लेटिंग द फैमिली ग्रीव इन पीस, वो अब फैमिली के खिलाफ जा रही है, स्टार्टिंग विद बरखा दत्त रानी। जी हाँ, बरखा दत्त रानी के बाद अभी ज्योति यादव आ गई है जो रिया के बारे में रिया का समर्थन कर रही है, कह रही है कि कैसे रिया को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिया को अगर अभी डिप्रेशन हो जाए ना बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड इंट्रोगेशन बाई ईडी एंड सीबीआई ऑफिशियल्स, बिकॉज उसके पास प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिल रहे, वो बैठ के कोई हैंड राइटिंग वाला लेटर दिखा रही है जहां पर वो लेटर के अंदर कहा जा रहा है कि ये लेटर सुशांत ने लिखा है और सुशांत इज सेइंग दैट ही इज ग्रेटफुल फॉर हिज लाइफ एंड ही इज ग्रेटफुल फॉर मिम्मी बिल्ली चिच्ची जो भी है इन लोगों का नाम, फॉर सर एंड फॉर मैम। तो सबसे पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सुशांत शुड बी ग्रेटफुल टू हिज फैमिली ऑल्सो, और अगर ये लेटर सही है मतलब ट्रू है तो रिया चक्रवर्ती आपने ऐसा क्या जादू टोना किया कि सुशांत is not grateful to his family, to his sister, to his father, supposedly, because aapke hisab se he's just grateful to Mimmi, Billy, Chilli, or all that nonsense. He's not grateful to the people who gave birth to him. He's not grateful to the people with whom he has been brought up for so many years. And suddenly he's grateful only to Mimmi, Chilli, Chikki. So obviously, ye to ek jadoo tona ka natija hai, if this letter which you are trying to show to gain sympathy is a true letter. And if it is a false letter, then obviously, ye to pata chal jayega by handwriting expert.
words and you will again be put behind bars for, you know, showing false documents on public domain. Because आप ये जो ड्रामा कर रहे हो ना, करो, आपका जितना भी ड्रामा करना है करो, ये आपका ड्रामा आपको ही अंदर जेल लेके जाएगा अगर आप फॉल्स पेपर्स रिलीज कर रहे हो पब्लिक डोमेन के अंदर टू गेट सिंपथी, जैसे आपने ड्रामा किया था, ओह माय गॉड अमित शाह जी प्लीज सीबीआई इंक्वायरी की मेरी सबकी मांग पूरी करो, क्योंकि मुझे भी जानना है कि सुशांत ने सुसाइड क्यों किया. सुशांत ने सुसाइड इसलिए किया बेवकूफ औरत, विच विच, यस दैट आर द वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू कॉल यू विथ, क्योंकि तू सुशांत की मेडिकल फाइल्स लेके भाग गई थी, तूने तो सुशांत का फोन ब्लॉक करके रखा था, एंड सुशांत वाज स्कैर्ड दैट दिशा सेलियन का जो मर्डर है वो उसके साथ लिंक हो रहा है, एंड पीपल आर गोइंग टू नाउ यू नो टारगेट हिम फर्दर, क्योंकि मीडिया वॉज नॉट सपोर्टिंग सुशांत सिंह राजपूत एट दैट टाइम, विच मीडिया इज नाउ सपोर्टिंग सुशांत सिंह राजपूत इन गेटिंग जस्टिस, बिकॉज ऑब्वियसली शायद उनको भी अपना गिल्ट हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मीटू का आरोप लगाया सुशांत के ऊपर विदाउट अ प्रॉपर वेरीफाइड सोर्स, उस तरह से उन्होंने बहुत कुछ किया है सुशांत को टारगेट करने के लिए, और अब सुशांत के डेथ के बाद अगर मीडिया के अंदर थोड़ा बहुत रिमोर्स आ गया है और वो सुशांत को जस्टिस लाने के लिए लड़ रहे हैं, देन आई एप्रिशिएट दैट फैक्ट, बट ऑब्वियसली रिया चक्रवर्ती आपके साथ अभी जो भी ड्रामा हो रहा है ना, अगर आप उससे डिप्रेस्ड हो गई ना, तो आप कर्सी चावड़ा की प्रिस्क्रिप्शन यूज कर सकती है और अपने आप को क्यूटिपिन से स्टफ कर सकती है. जी हाँ, यू कैन एडमिनिस्टर योरसेल्फ विद क्यूटिपिन, द ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन. If you're having any kind of anxiety because obviously you're being grilled by the ED and CBI officials, और आप चाहती थी कि CBI को केस ट्रांसफर नहीं हो क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफर पिटीशन डाली हुई थी कि जो बिहार का केस है वो बॉम्बे आ जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस में कोई आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स लग रहे हैं, मुझे लगता है ये मुंबई पुलिस जिसके ऊपर आपके आपको पहले विश्वास नहीं था मगर अभी आपको मुंबई पुलिस पे विश्वास हो गया. तो पॉलिटिक्स की बात तो आप करिए मत, पॉलिटिक्स तो आप जैसे लोग कर रहे हैं, आपके पीछे जो षड्यंत्र रचना है वो कर रहा है पॉलिटिक्स अबाउट मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, बिकॉज आप जो सीबीआई इंक्वायरी करना चाहती थी वो अब सीबीआई से डर रही है, एंड ऑब्वियसली ट्रांसफर पिटीशन रखती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. तो फेमिनिस्ट, आप अब रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हो, तो आई वुड जस्ट टेल यू प्लीज बाय क्यूटिपिन ऑफ द काउंटर, यूज कर्सी चावड़ा प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको क्यूटिपिन नहीं मिल रही है, एंड एडमिनिस्टर क्यूटिपिन इनसाइड रिया चक्रवर्ती इफ she's feeling anxious and depressed, agar usko hallucinations ho rahi hai, aawaze sunai de rahi, this is for Riya Chakrabarti and the brother and the sir and the ma'am who have Chakrabarti surname. I'm just being as blunt as direct on the face, kyunki aap log depression ki kahani bechna chahte hai na, to agar Riya Chakrabarti ko depression ho gaya due to present scenario, then I hope that you can buy medicines and give her medicines and counsel her. Susan Walker, aap Riya ko bhi counsel kar sakte hai agar wo depressed ho rahi hai. एंड बरखा दत्त रानी, आप है ना वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना वो कर देना, बिकॉज सुजन वॉकर के ऊपर तो अभी बहुत सारे केसेस लगने वाले हैं फॉर काइंड ऑफ ब्रेकिंग द मेंटल हेल्थ लॉज, तो वो सुजन वॉकर का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है ना रिया चक्रवर्ती के साथ, वो आप अरेंज कर देना, क्योंकि रिया चक्रवर्ती विल नीड काउंसलिंग नाउ फ्रॉम अ फिरंग औरत जो कह रही थी कि रिया चक्रवर्ती वाज अ मदर फिगर इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. ये कहने के बाद लेट्स टॉक फर्दर, बिकॉज़ फेमिनिस्ट तो अपना नकाब खोलने वाली है धीरे धीरे, बट सब फेमिनिस्ट के मैं कपड़े फाड़ने वाली हूँ. जस्ट ओपन योर माउथ एंड आई एम गोइंग टू रिप यू अबाउट एज आई प्रॉमिस, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल टू थिंक दैट सुशांत इज नॉट हैविंग सपोर्ट, बिकॉज यू नो सुशांत इज नॉट हैविंग सपोर्ट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग सुशांत वेदर दे नो हिम और दे डोंट नो हिम, और जिसको जो बोलना है बोले, बिकॉज आई थिंक आई एम बियॉन्ड वॉट पीपल थिंक अबाउट वाई आई एम सपोर्टिंग सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि अनुराग कश्यप जैसा I think I would call him a B-grade director. What do you say, Kangana? Because you think he's a B-grade director, but anyways, he is fond of Tapsee and you call Tapsee B-grade. So Anurag Kashyap is also a B-grade director. So wo keh raha hai ki ye sab drama ho raha hai Sushant Singh Rajput ke death ke upar, because the the center sarkar wants to target the small yet influential Rajput community. He is actually bringing Jat Pat in it. So I'm going to tell Anurag Kashyap ji, the Rajput community is not small, it can be influential, but the Bollywood B grade community is getting smaller and smaller, aur ye jo B grade community hai jiske andar kuch A grade log bhi abhi shamil ho gaye hain, unko aur small karne ka prayas shuru ho gaya hai, aur aap apna muh aise hi kholte jayenge, aapke kapde hum aise hi nikalte jayenge, kyunki aap ab Sushant Singh Rajput ki wo justice mile uske sath nahi khade, you are not standing with the family, we are not saying ki bhaiya ye suicide nahi ho sakta, we are saying ye abetment to suicide ho sakta hai, as the father is saying, because you have to go by the father's version. Aapko wo father ka, you know, father ki tasveer dekh ke, father ka video dekh ke taras nahi aata? अगर आप
आपकी बेटी के साथ कोई आदमी ने ऐसा किया होता, जिस बेटी का आप दुहाई दे रहे थे बिकॉज कोई ट्रोल ने आपकी बेटी को रेप करने की थ्रेट दी थी ऑन सोशल मीडिया और आप मोदी जी को टैग करके ड्रामा कर रहे थे आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, अगर वो बेटी के साथ किसी ने ऐसा किया होता उसके बॉयफ्रेंड ने, इफ द रोल्स वर रिवर्स, तो तब आप क्या बोलते? इट इज ओके, इट इज फाइन, इट इज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू ऑल दिस फॉर द इलेक्शन, अगर आपको कोई हेल्प कर रहा होता, दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस यू हैव, यू आर अ शेमलेस मैन। मैं आप सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अनुराग कश्यप जी, द बी ग्रेड स्मॉल कम्युनिटी ऑफ बॉलीवुड नाउ, आपको जितना ड्रामा करना है करिए। अभी आप सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और सिस्टर के खिलाफ जा रहे हैं, आप पहले मोदी जी के खिलाफ थे मगर मोदी जी की नफरत में अभी आप सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली, फादर और सिस्टर के खिलाफ जा रहे हैं, दिखाते हैं कि आप कितने नफरत से भरे हुए इंसान है। आपको सच दिखाई नहीं देता, आप लोगों को डिप्रेशन की स्टोरी भेजनी है भेजिए, आप लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि देखो दीपिका पादुकोण डिप्रेशन की कहानी भेजती है जब उसका ब्रेकअप हो जाता है विद अनिल कपूर, आलिया भट्ट अपनी बहन की डिप्रेशन की कहानियां भेजती है। अभी अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है एंड इफ यू गाइस आर फीलिंग एंक्शियस एंड डिप्रेस्ड, प्लीज कंसल्ट रिया चक्रवर्ती, वो फ्री में आप लोगों की कंसल्टेशन करवाएगी करसी चावड़ा से, और आप सब लोग क्यूटिपिन खा सकते हो, दारू पीने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्यूटिपिन के शॉट्स ले लो, एडमिनिस्टर कर लो, इंजेक्शंस ले लो एंड स्टार्ट लिविंग विद द हैलुसिनेशंस दैट यू गाइस आर राइट, बिकॉज़ आप लोगों का जो दोगलापन है वो एक्सपोज होगा, क्योंकि बहुत सारी टीवी की जो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस है, नाम सुना है कोई कृतिका कामरा, उसका कोई ट्वीट मेरे पास फॉरवर्ड किया गया, वो कह रही है समीर शर्मा के डेथ के ऊपर, बिकॉज समीर शर्मा टेलीविजन एक्टर पास्ड अवे ऑल्सो रिसेंटली, कि आई होप दे लेट यू रेस्ट इन पीस, ऑब्वियसली वो टॉन्ट मार रही है उन लोगों के ऊपर जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज वो चाहती है कि वो भी डिप्रेशन वाली स्टोरी भेजे। तो कृतिका कामरा तो डिप्रेस नहीं होती, देखो तो कोई जानता भी नहीं है, मतलब तो इतनी चाटती है लोगों की ये जो बॉलीवुड वाले हैं या टीवी वाले हैं या एकता कपूर टाइप्स है, पर अभी तक देखो कोई जानता नहीं है। डोंट यू गेट डिप्रेस्ड, आर यू एंग्शियस, डोंट यू हियर वॉइसेस एंड नॉइजेस, डोंट यू गेट हैलुसिनेशंस, एंड इफ यू डू गेट, प्लीज टेक क्यूटिपिन, क्यूटिपिन इज एन ऑसम ड्रग, बहुत मजा करती है ब्रेन के साथ, केमिकल जो बैलेंस होता है ना ब्रेन का एकदम सही हो जाता है। You guys, all of you should have Q-tipin who are wanting to sell the depression story because सबके कपड़े फटने वाले हैं, और जब आप लोगों के कपड़े फटेंगे ना और आप लोगों को depression होगी ना, तो आप लोगों को पता है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना और कौन सी दवाई खानी। आगे बात करते हैं, जी हाँ अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी ऐसा तो नहीं करते ना, आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं, आप नानावती हॉस्पिटल की प्रमोशन करते हैं, आप ट्विटर पर ही सारा दिन बैठे रहते हैं बिकॉज सब इंडस्ट्री बंद है, सब जॉबलेस है, आप ईद के लिए विश करते हैं, मगर आप राम मंदिर के लिए विश क्यों नहीं करते? राम मंदिर की भूमि पूजा से आपको क्या प्रॉब्लम है? अब राम मंदिर की भूमि पूजा अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अभी आपको उससे जलसी हो रही है, अब वो देश के प्रधानमंत्री है ना, तो वो राम मंदिर की भूमि पूजा करेंगे, आप तो नहीं कर सकते। आप तो कहते हैं ना कि आप एक अच्छे हिंदू हैं, आप सारे हिंदू त्योहार मनाते हैं, तो आपको भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन से क्या प्रॉब्लम है? आप तो ढोंगी है ना, जैसे मैंने बोला अपने पहले वाले वो वाले वीडियो में, आप तो ढोंगी हुए। आप ईद की बधाई दे सकते हैं, आप दुनिया भर का ड्रामा कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, क्योंकि आपके पास कुछ काम नहीं है, क्योंकि सबके पास काम नहीं है, सब जॉबलेस है, आप इनके राम मंदिर का क्यों नहीं ट्वीट कर सकते? क्योंकि ये जो लोग अपने आप को यू नो अच्छे इंसान कहते हैं, मैं उनकी इंसानियत समझना चाहती हूँ, ये लोग यू नो नाटक करते हैं इतना गॉड फियरिंग होने का, और आज जब भगवान राम के ऊपर बातचीत पूरे वर्ल्ड में हो रही है, मंदिर के ऊपर डिस्कशन पूरे वर्ल्ड में हो रही है, ये जो सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड के, इन लोगों को भगवान राम के ऊपर कुछ नहीं बोलना, भूमि पूजन के ऊपर कुछ नहीं बोलना, मैं मुस्लिम सुपरस्टार्स को क्यों टारगेट करूं? ये हिंदू सुपरस्टार्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ घर में बैठ के ड्रामा कर रहे हैं, जो ड्रामा इनको सूट करता है वो करने का, नानावती हॉस्पिटल, ग्रेट डॉक्टर्स, ग्रेट नर्सेस, ये तुम ड्रामा करो, हमको तुम्हारा ये ड्रामा सुनने का? व्हाई? So this is the hypocrisy of these people and they need to be exposed, chahe wo B grade Anurag Kashyap bhi ho ya A grade Amitabh Bachchan, because ye log Hindu hone ke naam par ek dhabba lagte hain mujhe. And मुंबई पुलिस आप ऑब्वियसली कह रही थी, मैंने एक वीडियो सुना था जब सुशांत का वो जो ग्रीन कपड़ा लेके मुंबई पुलिस का कोई ऑफिशियल जा रहा था, एंड वो मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने एक वीडियो सुना जहां पर मुंबई पुलिस कह रही थी मीडिया वालों को उनको डायरी मिली और डायरी में सुशांत ने बोला कि वो सुसाइड कर। अब ये जो डायरी का ड्रामा है, ये डायरी का ड्रामा न्यूज टेलीविजन चैनल्स पर मैंने देखा, जहां पर 3-4 पेजेस डायरी में से गायब है। सिद्धार्थ पिठान, एक नंबर का जो झूठा आदमी है, वो कह रहा है कि सुशांत यूज्ड टू टेयर पेजेस फ्रॉम हिज डायरी। तो आप ये डायरी को कह रहे थे एज अ प्रूफ
दैट सुशांत हैड कमिटेड सुसाइड. तो अभी ये डायरी के अंदर वो पेजेस कहाँ है जहाँ पर उसने लिखा है कि वो सुसाइड कमिट कर रहा है? बिकॉज ये डायरी के नाम पर तो बहुत ड्रामा हो रहा है. अभी ये रिया भी नकली कागज लेकर आ गई है. अगर आप समझो कि उसने कितनी दवाइयां डाली होगी सुशांत के अंदर, इफ दैट कागज इज रियल, बिकॉज आई एम नॉट अ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, बिकॉज वो कागज के अंदर सुशांत सिर्फ रिया की चिट्टी पिल्ली फैमिली को थैंक यू बोल रहा है. उसको अपने फादर सिस्टर से कुछ लेना देना नहीं है, जिसने उसको जन्म दिया, पाला पोसा, इतने साल उसके साथ रहा. एंड अगर ये राइट जो लेटर है रिया जो पोस्ट कर रही है विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, अगर वो फॉल्स है तो रिया के ऊपर तो डबल यू नो केस फाइल करना चाहिए फॉर मिसलीडिंग द पब्लिक व्हेन अ केस इज ऑलरेडी फाइल्ड ऑन हर फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड. बिकॉज दिस इज अ बिगर क्राइम ट्राइंग टू डू दिस ड्रामा व्हेन यू आर ऑलरेडी यू नो ऑलरेडी बीइंग इंट्रोगेटेड फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड. सो रिया चक्रवर्ती, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट मोर ड्रामा यू वांट टू डू ऑन सोशल मीडिया. बिकॉज व्हाट एवर ड्रामा यू डू ऑन सोशल मीडिया, चाहे यू वेयर ब्लू सलवार कमीज, व्हाइट सलवार कमीज, or do whatever shit that you want to do, you just produce the papers of this two property that you know CBI officials and ED officials want to know, because by producing those two papers probably you can come clean little bit. ye drama karne se aapko koi sympathy nahi milne wali hai, kyunki wo property ke papers dikhane ki jagah aap baithe ye grateful to life, grateful to chinni minni billi kar rahe, usse kuch nahi hone wala. you want to be torn apart by people who want justice for Sushant Singh Rajput, because ye ladai abhi had se bahar chali gayi hai. this is not about BJP, this is not about Bihar politics, this is not about Mumbai politics, because I'm not a politician. theek hai, I am just bothered now that I want justice for Sushant Singh Rajput, and jo sach hai wo bahar aana chahiye. aur jis tarah se aapko ye Bollywood lobby support kar rahi hai na, ye Bollywood lobby ke to kapde phatne wale hai. to feminist, aapko jo drama karna hai aap karo, magar I am just trying to put some facts out here, kyunki ye India Today ka bhi koi interview tha jahan par unhone bataya ki 2019 mein November mein Sushant ne phone kiya tha for help to his family, jiske bare mein jisse wo grateful nahi hai apparently as per Riya's letter, magar Riya ne usko Chandigarh kabhi jaane nahi diya. that is in November 2019. December mein Sushant ne fir se apna number badal diya. Sushant ne is time fir se phone kiya tha family ko help ke liye, मगर ऑब्वियसली जब वो चंडीगढ़ गया तब सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को टिप ऑफ कर दिया. रिया ने उस समय 25 या 40 या 50 फोन किए सुशांत को, और सुशांत को जबरदस्ती वापस बुला लिया ये कहकर कि वो उसके मेडिकल ग्राउंड्स पे, मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स पे. जी हाँ, रिया उसको स्टार्टिंग से मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स पर ब्लैकमेल कर रही थी, तो सो कॉल्ड मदर फिगर एज पर सुजन वॉकर, जो ऑब्वियसली अभी जेल जाएगी क्योंकि बहुत मुंह खोला ना तूने परखा दत्त नानी के साथ. अब सुजन वॉकर आप है ना भारत के जेल में जाना, विदेश के जेल में तो गए नहीं होगे ना, भारत के जेल में जरूर जाना. ठीक है, बहुत मजा आएगा वहां पे, मैं भी गई हूँ वहां पे, इट्स नॉट सो बैड. सो यू शुड एंजॉय योर स्टे इन द जेल. ऑल दीज रिया चक्रवर्तीज एंड सुजन वॉकर्स, एक ही जेल में सबको डालना, साथ साथ में फेमिनिस्ट को भी भर देना फॉर ऑब्वियसली मिसलीडिंग द पीपल इन गेटिंग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. तो रिया चक्रवर्ती ने ये सब ड्रामा किया था पहले से ही, वो मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स पर सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल कर रही थी. अब दिशा सेगन की मौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ रिलेटेड है या नहीं डायरेक्टली, मैं ऑब्वियसली जानना चाहती हूँ, क्योंकि दिशा की मौत ने सुशांत को अफेक्ट किया था. और मेडिकल फाइल्स जब ये रिया लेके भाग गई थी तो सुशांत वाज ट्राइंग टू कॉल हर बट शी हैड ब्लॉक्ड हिम. मगर दिशा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो ऑब्वियसली अब पब्लिक हो गई है, गॉट सी द मीडिया ट्रायल, उसमें लिखा गया है कि हर बॉडी वॉज फाउंड इन न्यूड कंडीशन, मतलब उसकी बॉडी के ऊपर कोई कपड़े नहीं थे. तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन समबडी कमिट सुसाइड इन दैट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली पार्टी जो थी वो पार्टी के अंदर सूरज पंचोली या आदित्य ठाकरे या अरबाज खान, उन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है एज पर कन्फेस्ड बाय दीज पीपल. और मैंने अभी तक कोई प्रूफ नहीं देखा है यू नो कनेक्टिंग दीज पीपल टू द पार्टी वेयर दिशा सेलियन वॉज इन और एट और एसोसिएटेड विद. बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच इज अ फैक्ट, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिशा प्राइवेट पार्ट्स वर इंजर्ड एंड हर बॉडी वॉज फाउंड न्यू. अब उसके पेरेंट्स को ऑब्वियसली मुंबई पुलिस पर विश्वास है, उनके पेरेंट्स के ऊपर कोई दबाव कर रहा है या वो ऐसे ही विलिंगली ये बयान दे रहे हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज यू नो दबाव तो कोई भी कर सकता है ये भारत के अंदर. अगर सुशांत सिंह राजपूत को 50 बार अपने सिम कार्ड बदलने पड़े तो कोई ना कोई तो दबाव करता है ना किसी के ऊपर. तो ये फैक्ट ऑब्वियसली नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड इफ दिशा'स डेथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सुशांत डेथ एंड इफ दिशा वॉज मर्डर्ड एंड रेप्ड, बिकॉज दिस नीड्स टू बी प्रूव्ड, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पब्लिक करी गई है एंड दैट हैज happened in all the news channels. so I am not making up the story because I want to stick to the facts. जिया खान की मदर का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा जहां पर जिया खान की मदर कह रही थी कि महेश भट्ट साहब जो जिया खान के फ्यूनरल में आए वो कह रहे थे कि जिया खान वॉज डिप्रेस्ड, जबकि मदर इज स्टिल स्टिकिंग बाय द स्टोरी दैट हर डॉटर वॉज नॉट डिप्रेस्ड एंड शी वॉज मर्डर्ड.
Now, वो केस को मैंने फॉलो नहीं किया इतना डिटेल में, so obviously the people who know about that case need to, you know, get it reopened or reinvestigated if Jia Khan has also been murdered, like what we think might have happened with Sushant Singh Rajput. मगर महेश भट्ट साहब, सबके साथ डिप्रेशन की स्टोरी मत भेजिए, पहले अपने घर के अंदर अपनी बेटी की डिप्रेशन की स्टोरी खाली भेजिए, और अगर वो ज्यादा डिप्रेस हो जाती है बिकॉज आपको टारगेट किया जा रहा है, then you can obviously administer Q-tipin to your daughter from your second marriage. I'm just, you know, clarifying things because आप लोग को सबको डिप्रेशन की स्टोरी बेचनी है, तो आई थिंक Q-tipin है ना, बल्क में खरीद लो, फ्री में खरीद लो, जो भी काउंटर से खरीदना है, जिसका भी मेडिकल सप्लायर के साथ अच्छा कनेक्शन है, जिसका भी डॉक्टर के साथ अच्छा कनेक्शन है, साइकाइट्रिस्ट के साथ अच्छा कनेक्शन है, Q-tipin को घर में, because आप लोगों को टारगेट अभी किया जाएगा. Who all wants to sell the depression story? Because depression, after all, is not a illness. It is just like cancer and diabetes. तो अगर जितने भी सेक्युलर्स, लिबरल्स और फेमिनिस्ट को डिप्रेशन हो रही है, they can just administer Q-tipin inside. Because they are going to be targeted. Because we want justice for Sushant Singh Rajput. तो ये सब हुआ है and Sushant Singh Rajput before his death in April 27, 2020 उनका एक आर्टिकल है जहाँ पर वो लर्न कर रहे थे हाउ टू डू कोडिंग, समथिंग विच माधुरी दीक्षित शुड अंडरस्टैंड बिकॉज माधुरी दीक्षित अपने बच्चों को कोडिंग सिखा रही है. जी हाँ, उनका भी कोई एड आया है और इंटरनेट पे वाइट हैट जूनियर के लिए, जहाँ पर यूट्यूब पे उनका वीडियो रिलीज हुआ है जहाँ पर वो अपने बच्चों को कोडिंग सिखा रही है और कोडिंग प्रमोट कर रही है. तो वो एक कोडिंग लर्न कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत इन April 27, 2020 बिकॉज लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेस था, बायपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा था, तो वो कोडिंग कैसे लर्न कर रहा था. सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन फॉर दोज पीपल हु जस्ट वांट टू स्टिक टू द अबेटमेंट टू सुसाइड स्टोरी बोर्ड. एक आदमी जो इतना डिप्रेस था, हेलुसिनेशंस पे था, Q-tipin खा रहा था, वो कैसे कोडिंग सीख सकता है? इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन आस्क्ड बाय कैन बी आस्क्ड बाय एनीबॉडी. तो मैं ये सब फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में रखना चाहती हूँ क्योंकि अभी तक लोग ऑब्वियसली सुसाइड की स्टोरी ही सेल करना चाहते हैं, द लिबरल्स, फेमिनिस्ट एंड द सेक्युलर्स, मगर सुसाइड की स्टोरी मैं बिलीव नहीं करती हूँ. इट इज ईदर अबेटमेंट टू सुसाइड और अ प्री प्लान्ड मर्डर. अब क्या बात करना है, so that's it. Disha का एक लास्ट वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, where she is happy and where she is dancing. Disha के फ्रेंड्स का भी एक वर्जन वायरल हुआ है, इंटरव्यू टू इंडिया टुडे और सम अदर न्यूज़ पोर्टल, जहाँ पे उनके फ्रेंड्स कह रहे हैं that she was emotional after drinking and that's why she locked herself in the room and then we came to know that she had fallen down. अगर ये भी सच है, तो why does her postmortem say that she had no clothes on her body? Why would anybody remove her clothes and jump from the window? तो ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए अ प्रॉपर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड एंड फॉर दैट सीबीआई हैज गॉट इन्वॉल्वड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव गॉट इन्वॉल्वड. टिल देन एंजॉय योरसेल्फ लिबरल्स, सेक्युलर्स एंड फेमिनिस्ट एंड प्लीज बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ Q-tipin अगर आपको डिप्रेशन हो रही है और पैकेट रिया चक्रवर्ती के फैमिली को जरूर दें. नमस्ते.